तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को उपलब्धि मिली है उसको लेकर कहीं ना कहीं झारखंड में उसका हलचल तेज हो गया है और झारखंड में एक हर लोगों के जुबान पर यह दिख रहा है कि झारखंड में शायद फिर बीजेपी आएगी और इसी मुद्दे पर कि झारखंड की स्थिति अब क्या रहने वाली है इसी पर हम विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि हरियाणा की जीत को लेकर आपके मन में क्या है और आने वाले आपके चुनाव जो झारखंड में होने वाले हैं वो कि उसकी स्थिति क्या रहेगी, क्या कहेंगे? हम बहुत आज खुश हैं कि हमारी जीत हुई है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में है, बहुत आगे हम हैं पहले से और बीजेपी की बढ़त है, इसलिए हम बयान नहीं कर सकते हैं। आज खुशी का माहौल है, आज हम अभी जुलूस निकाल के आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, जीत का बधाई लोगों को दिया है, जनता को दिया है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, झारखंड में जो है इससे भी ज्यादा जीत होगी, बहुत अंतर से हम लोग का जीत होगा, क्योंकि जनता जो है खलबला गई है इस शासन से, कुशासन से, और मोदी जी का जो एक कार्यक्रम है उससे जो है जनता बहुत खुश है, इसलिए हम जीतेंगे। क्या लगता है कि जो आप लोग को जीत मिली है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, तो कितना मतलब बीजेपी में मतलब एक शक्ति आई है एक तरह से? बहुत से उत्साह आया है लोगों ने, आपने देखा कि मीडिया लोगों ने ऐसा उछाला कि हम लोग बहुत उदास हो गए थे, ताकि यह जो जनता जो अभी जो दिया है मैंडेट, और हरियाणा में इस तरह की जीत से हम लोग बहुत काफी खुश हैं। तो कि चंद्रवंशी जी ने कहा कि आने वाले समय में झारखंड में भी हम लोग की जीत होगी, क्योंकि जो जीत मिली है उससे कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ता या हम लोग सभी लोग उत्साहित हैं। समाचार प्लस के लिए गढ़वा से मैं विनय पांडे।